नमस्कार सत्याकाल राम राम सर अमीकम प्रणाम आप सभी का ऑल्टनिक मीडिया में फिर से स्वागत है मैं आपकी हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर सुभाष का शो uh, आपको बहुत मिस किया हम लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद जी सर अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि यूरोप के हालात किस तरीके से हैं एक तरफ कंट्रीज हैं जो भर भर का इमिग्रेंट्स को कभी बसों में कभी रेलवेज़ में, में कभी शिप्स में लेकर आ रही है और दूसरी तरफ है हंगरी के पीएम विक्टर और जिनका अभी दो दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि इफ ईयू विल कंटिन्यू टू फाइन हंगरी फॉर नॉट लेटिंग इलीगल माइग्रेंट्स इन टू द कंट्री हंगरी विल स्टार्ट बसिंग इलीगल माइग्रेंट्स टू द सेंट्रल स्क्वायर इन ब्रुसेल्स मतलब वो सबको बसों में भर-भर कर ले जाकर ब्रुसेल्स छोड़ आएंगे रहीते द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन से यूरोप में क्या चल रहा है एंड वेयर इज इट हेडिंग जी जो विक्टर अर्बान ने कहा है इलीगल माइग्रेंट्स को बस करने की बात यही अमेरिका में भी हुआ जब 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आने शुरू हुए टेक्सास में तो टेक्सस ने गवर्नर टेक्सस के गवर्नर ने उनको बस करना शुरू किया न्यूयॉर्क और शिकागो में जो कि सेंचुरी सिटीज हैं तो ये जो हो रहा है यूरोप में ये पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में जो उनके एलिट्स की पॉलिसी है कि चलिए हमारी जनसंख्या घट रही है क्योंकि पॉपुलेशन श्रिंक होनी शुरू हुई है सफेद लोगों की तो लेकिन हमें लोगों की जरूरत है क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो हमारा पॉलिटिकल पावर है वो घटेगा तो इसलिए उनको आ, लोगों को अंदर ले आना है अपनी इकोनॉमीज के लिए लेकिन इसमें एक कॉस्ट भी है और कॉस्ट क्या है कि जो लोग अब आ रहे हैं पिछले 10, 20, 30 साल से वो लोग एसिमिलेट होना नहीं चाहते अब जो वेस्ट के लीडर्स हैं उनकी थियोरी तो ये थी कि ये आएंगे और अंत में ये हो जाएंगे और उन्होंने काफी कुछ पैसा चर्चेस को भी दिया है लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो माइग्रेंट्स को ले आए जैसे कि जब जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेजिडेंट थे उन्होंने उस समय अमेरिका के चर्चेस को बहुत ज्यादा पैसा देना शुरू किया जिसमें एवेंजेलिकल्स थे वो उससे सहमत थे कि आप इनको ले आइए फिर ये बाद में शायद क्रिश्चियन बन जाएंगे लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं उनमें हो सकता है एक दो प्रतिशत लोग अपना धर्म अंतर भी करें धर्मांतर करें लेकिन जो आ रहे हैं वो अपने धर्म छोड़ना नहीं चाहते चाहतेट होना नहीं चाहते और जो उनका वर्ल्ड व्यू है वो बहुत ही विपरीत है यूरोप या अमेरिका के वर्ल्ड व्यू से और वो जैसे आ, महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते और जो उनकी आ, अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं उसी की आ, जो उनके कस्टम्स हैं रीति रिवाज हैं उनको यूरोप में या अमेरिका में बढ़ावा देना चाहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है इस जो विक्टर औरबान ने कहा है ये तो एक छोटी सी मुठभेड़ हो रही है कि आप आपको हम फाइन करेंगे आपको जुर्माना देना पड़ेगा तो हो सकता है ईयू फिर स्टेप बैक करे क्योंकि जो राइट विंग पार्टीज हैं जो एंटी आ, टोटल माइग्रेशन पार्टीज हैं यूरोप में इस समय वो आगे बढ़ रही हैं तो इसलिए तो अंत में मुझे तो लगता है कि ईयू की जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनकी रूलरशिप है तो वो शायद हट जाएंगे वो कहेंगे ठीक है आप ऐसा करिए तो हम शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि जर्मनी ने ऑलरेडी अपने बॉर्डर्स पे चेक्स करना शुरू किया है क्योंकि जर्मनी में जब कुछ हफ्ते पहले मर्डर्स हुए लड़कियों के आ, तो फिर जर्मनी ने कुछ लोगों को वो तो दिखावे के लिए था कुछ लोगों को अफगान अफगानिस्तान वापस भेज दिया दस बीस लोगों को लेकिन उन्होंने बॉर्डर चेक्स को री किया है इसलिए क्योंकि जो अपोजिशन एंटी माइग्रेशन पार्टी ए है वो बहुत आगे बढ़ रही है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी पार्टी अभी जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं इस जर्मनी में उसमें बुरी तरह से हारी है तो इसलिए लोकल पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन ईयू के लेवल पे हो रहा है सर पूरे यूरोप में इस वक्त है क्योंकि होना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम पैरेलली सुनने में ये आ रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, अलग पैचेस में बहुत सारे राइट विंग्स निकल कर आ रहे हैं जी सर हाँ जो राइट विंग पार्टीज आप देखिए छोटे छोटे देश हैं आप देखिए स्वीडन में स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं वो राइट विंग पार्टी है स्विट्जरलैंड में स्विस पीपल्स पार्टी है इटली में तो उनकी गवर्नमेंट है जो जॉर्जिया मेलोनी है ब्रदर्स ऑफ इटली एंड लेगा पार्टी वो भी एंटी टोटल इमिग्रेशन है हंगरी में तो हंगरी की हम बात ही कर रहे थे फिडेश तो नैदरलैंड में भी पी जो गर्ट वाइल्डर्स की पार्टी है तो छोटे सब छोटे देशों में इन्होंने राज करना भी शुरू किया लेकिन ईयू का जो कंट्रोल है क्योंकि ईयू फंड्स देता है तो इसलिए अभी फ्रीली वो ऑपरेट नहीं कर सकते लेकिन अब जो फंडामेंटल चेंजेस आने वाले हैं जिसका बहुत डर है लेफ्ट को यूरोप में एक तो है फ्रांस में नेशनल रैली जो मरीन लपेन की पार्टी है और दूसरा ए एफ डी जर्मनी में जो इस समय बहुत रिसर्जेंट है तो इनको जो क्योंकि जैसे अमेरिका में है वैसे ही यूरोप में भी जो लेफ्ट है वो मीडिया को कंट्रोल करता है उसके पास पैसा है उसके पास रिसोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसलिए वो इसको जो एंटी टोटल माइग्रेशन पार्टीज हैं उनको डीमोनाइज कर रखा है कि ये एक्सट्रीम राइट विंग है फार राइट right है लेकिन वास्तव में ये पार्टीज ये प्रश्न पूछ रही हैं देखिए आप फ्रीली लोगों को माइग्रेट करवा रहे हैं लेकिन हमारे देश में सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्राइम बहुत बढ़ गया है आ, हमारे देशों में नो गो जोन्स हैं जैसे आप स्वीडन में इसकी काफी चर्चा हुई है कई नो गो ज़ोन्स हैं जिसमें स्वीडिश लोग नहीं घुस सकते और फिर आप इंग्लैंड में देखिए मास ग्रूमिंग ऑफ वाइट गर्ल्स एक दो लाख लड़कियों को सेक्सुअली ग्रूम किया गया है पाकिस्तानी गैंग्स ने पिछले बीस तीस साल से और जो वहां की पुलिस है वो ये नहीं आ, लोग उनको ये ना कहें कहें कि ये रेसिस्ट हैं तो इसलिए वो इसको नजरअंदाज कर रही हैं जो ये सब बुरी चीजें हो भी रही है जो वायलेंस हो रही है क्राइम हो रहा है लेकिन ये बिल्कुल हमेशा होता तो नहीं रहेगा तो इसका रिएक्शन तो होना ही होगा और वही रिएक्शन अब उभर आया है छोटे जो यूरोप के देश हैं और अब जो बड़े देश हैं जैसे जर्मनी और फ्रांस उसमें भी ऐसा लगता है बहुत जल्दी होगा और मुझे लगता है कि क्या होगा कि कुछ देर तक माइग्रेशन कम हो जाएगी लेकिन अंत में माइग्रेशन को आप रोक नहीं सकते वो इसलिए क्योंकि यूरोप के जो सफेद लोग हैं यूरोप के ही नहीं अमेरिका में भी जो सफेद लोग हैं उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है उनमें बहुत कम बच्चे हो रहे हैं एवरेज में शायद एक या थोड़ा एक से ज्यादा बच्चा हो लेकिन आप दो पिता और माता जब तक वो उनके दो बच्चे ना हो तो जनसंख्या तब घटेगी ही यदि अब लोग ऑन एन एवरेज एक कर रहे हैं 1.1 या 1.2 तो पॉपुलेशन श्रिंक होनी शुरू हो गई है और जो धनी लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं वो सोचते हैं वो कह रहे हैं कि देखिए आप नेशनलिज्म को छोड़ दीजिए हम लोग हमारे पास एक ही रास्ता है वो ये है कि हम लोगों को फ्रीली माइग्रेट करने दें और फिर जो एलिट लोग हैं वो नई इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और वो पूरे विश्व को आ, को विश्व में राज कर सकते हैं विश्व को, विश्व को वो ही डोमिनेट करेंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल गेम हो रही है तो इसीलिए वो जो भी नेशनलिस्ट हैं चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या एशिया में कोई और नेशनलिस्ट भी हो तो वो उनके समय अगेंस्ट हैं जो आजकल वेस्ट के अलीट हैं तो Uh, तो uh, और यूरोप में भी uh, या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट क्यों है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी नेशनलिस्ट है तो इस समय uh, जो द रिचेस्ट जो बिलीनियर्स हैं क्योंकि वो uh, उनके पास बहुत uh, आर्थिक शक्ति है वो लोग लेफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड फिनमिनन है आज से 30-40 साल पहले तक जो लेफ्ट की पार्टीज थी वर्कर्स के साथ थी एवरेज uh, आदमी के साथ थी आम आदमी के साथ थी और जो राइट right विंग की पार्टीज थी वो कैपिटलिस्ट uh, के साथ थी अब बिल्कुल रिवर्स हो गया है अब जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं वो कैपिटलिस्ट के साथ हैं वो बिलेनियर्स के साथ है और जो राइट विंग पार्टीज हैं वो एवरेज आदमी के साथ हैं और वो फ्लिप आप अमेरिका में देख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है अमेरिका में जो जो वाइट मैन हैं जो पोअर पीपल हैं मिडल अमेरिका में वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं और जो एलिट हैं दो बॉर्डर्स पे कैलिफोर्निया में जो बिलीनियर हैं टेक एलिट्स हैं जैसे बिल गेट्स सिर्फ एक बिलीनियर है जो कि ट्रंप के साथ है वो है इलॉन मस्क वो साउथ अफ्रीका के लेकिन जो अन्य सारे बिलियनियर्स हैं पावरफुल लोग हैं वो सारे लेफ्टिस्ट पार्टीज को सपोर्ट कर रही हैं डेमोक्रेटिक पार्टी अब लेफ्टिस्ट पार्टी बन गई है और आ, और वो और वैसे ही यूरोप पे भी हो रहा है सो so, बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं वेस्ट की तरफ मैं स्पेशली बात कर रही हूं चाहे वो यूरोप हो गया चाहे वो यूएस हो गया सबके सब ये इमिग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं अगर मैं जैसे अभी आपने कहा कि लेफ्ट के पास पैसा बहुत है ये पैसा आ कहाँ रहा है इन बिलियनर्स के पास में इलॉन मस्क को छोड़ देंगे बाकी सब ला कहाँ से रहे पैसा इतना कंपनीज हैं कंपनीज के पास बहुत पैसा है कंपनीज ने बहुत ही पैसा बनाया है खास तौर पे कोविड के बाद क्योंकि और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ है देखिए पूरे आ, आ, मैं आपको बड़ी रोचक बात बताता हूँ अभी मैं आ, मायामी के एक होटल है उसका नाम है फेना एफ ए ई एन ए उसका एक होटल पांच छे नगरों में विश्व के नगरों में उसके होटल्स हैं और मायमी में भी है और उसमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव रूम है जो उनका पेंट हाउस रूम है उसका आ, जो कॉस्ट है पर नाइट बहुत बड़ा पेंट हाउस स्वीट है वो है सिक्सटी टू थाउजेंड डॉलर पर नाइट अब इसकी कल्पना कीजिए सिक्सटी टू थाउजेंड डॉलर डॉलर सिक्सटी टू थाउजेंड डॉलर पर नाइट मैंने इसका ट्वीट भी किया आपको देख सकते हैं आपका लिंक भी देखिएगा तो जो पूरे विश्व में इस समय हो रहा है जो डिस्पैरिटी रिच और एवरेज लोगों के बीच में है वो इतनी बड़ी हो गई है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये 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 जो व्यवस्था है बहुत देर तक चल नहीं सकती क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो एवरेज लोग हैं वो बेयरली अमेरिका में भी दे कैन बियरली मैनेज टू सरवाइव और ये एक कारण है कि लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते जैसे अमेरिका के अगर मैं बात करूं और ऐसी बात यूरोप में भी है अमेरिका में यदि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बीस तीस हजार डॉलर बनाए सिक्सटी थाउजेंड डॉलर बच्चे को स्कूल में रखने के लिए आपको तीस चालीस हजार डॉलर की जरूरत है अगर आप उसको प्राइवेट स्कूल में भेजें और अगर दे केयर भी रखें तब भी दस पंद्रह हजार डॉलर की जरूरत है तो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग बच्चे रखने भी चाहते हैं वो कहते हैं कि देखिए अभी हम नहीं कर सकते हमें और चार पाँच दस साल तक आ, इंतजार करना पड़े घर इतने महंगे हो गए हैं पिछले चार पाँच साल में पूरे अमेरिका में अगर आप ट्रैवल करें होटल रूम्स जो पहले सिक्सटी डॉलर में होते थे अब दो सौ तीन सौ चार सौ डॉलर में हो रहे हैं एवरी नाइट और एट द हाइस्ट लेवल जैसे हम आपको बताया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड डॉलर पर नाइट तो पूरे विश्व में इस समय

और जो साधारण व्यक्ति है वो बेरली मैनेज कर सकता है और जो धनी लोग हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली वर्ल्ड को कंट्रोल करते है। आ, आ, हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स भी देखिए ये मुखौटे हैं जो बाइडन मुखौटा है वो तो शायद सोच भी ठीक तरह से आ, समझ भी नहीं सकता और वैसे ही आ, जो इस समय की डेमोक्रेटिक दे, कैंडिडेट हैं कमला देवी आयर हैरिस वो भी एक मुखौटा है और जो ये धनी लोग हैं ऑलिगार्क्स का एक शब्द प्रयोग किया जाता है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो भी अब कंट्रोल करते हैं पहले लोग वेस्ट में रूस का मजाक उड़ाया करते थे कि रूस का कंट्रोल ऑलिगार्क्स के साथ है जब रूस 1990 के बाद जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तो अमीर लोग वहां पे उनका पास बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था और वैसा ही अब आ, अमेरिका में वेस्ट में हो चुका है जो ऑलिगार्क्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं और आ, वो वो लोग बात तो कहते हैं कि देखिए रूस में जनतंत्र नहीं है लेकिन यहाँ पे अमेरिका में भी आप इस समय सब कुछ फ्रीली बात नहीं कर सकते एक ही व्यक्ति उसके आ, अगेंस्ट है वो है इलॉन मस्क इसीलिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इलॉन मस्क को भी बहुत घृणा करती है इलॉन मस्क का कल इंटरव्यू था कार्लसन के साथ तो मस्क ने कहा कि अगर ट्रंप हार जाए तो हो सकता है मुझे कैद किया जाएगा और वो हंस रहा था वो कह रहा था कि ये भी हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को देख देना पाऊं तो ये मजाक की बात है क्योंकि उसके पास वो तो पूरे विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है और अमेरिका में अभी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर सकती हैं लेकिन यूरोप में उतना ज्यादा नहीं है यूरोप में ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में क्योंकि बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी भी जस्टिस की भी तो इसलिए जो वॉशिंगटन है वो अपना विल पूरे अमेरिका में लगा नहीं सकता इसके विपरीत कनाडा में सेंट्रलाइजेशन है तो इसीलिए कनाडा में पिछले दस साल में जस्टिन ट्रूडो ने इतनी तबाही फैलाई है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के कारण वो उसकी लेफ्टिस्ट इंपोज कर सका जैसे जब कोविड हुआ तो उसने उस समय बैन किया जिन्होंने टीका नहीं लगाया था कोविड के अगेंस्ट वो ट्रैवल भी नहीं कर पा सकते थे अमेरिका में वैसा कभी नहीं हुआ और इसीलिए चाहे अमेरिका की स्थिति भी खराब है चाहे अमेरिका में भी ऑलिगार्क्स इस समय कंट्रोल कर पा रहे हैं कंट्रोल करे हुए हैं लेकिन Uh, ऐसा लगता है कि अमेरिका में ही इसका पुशबैक होगा और हो सकता है कि चीजें दोबारा ठीक हो जाए सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका से ही पुशबैक होगा और शायद चीजें कंट्रोल हो जाए वाई अमेरिका होगी क्योंकि यूरोप में जो सोशलाइजेशन सोशलिज्म आया और ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुई वो बहुत आगे बढ़ चुकी है यूरोप में अब देखिए नेदरलैंड्स में ही देखिए नेदरलैंड्स में जो गवर्नमेंट है ईयू कह रही है फार्मर्स को कि आप अब फसल बो नहीं सकते क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है आप अपने फार्म्स को छोड़ दीजिए इतना ज्यादा कंट्रोल अमेरिका में नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका में जो डिफरेंट पचास स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है।, है कि कुछ स्टेट जैसे कैलिफोर्निया में अब डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा हावी हैं इसलिए कैलिफोर्निया जैसा प्रांत अपने स्टेट में होमलेसनेस की प्रॉब्लम से निपट नहीं पा सका है अब देखिए सैन फ्रांसिस्को, जैसा सुंदर नगर अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका हो चुका है डाउनटाउन क्योंकि उसमें क्राइम बहुत जबरदस्त बढ़ गया है फ्लैश मॉब्स हैं जो स्टोर्स को अटैक करती हैं क्योंकि एक पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद कैलिफोर्निया में भी यदि आप शहर को छोट के छोटे गाँव में जाए तो आप देखेंगे कि सिचुएशन बिल्कुल अलग है क्योंकि अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसमें टोटल सेंट्रलाइजेशन नहीं है यूरोप में वैसा नहीं है और इसलिए यूरोप में जो पुशबैक है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है होगा और जो इस समय आप देख रही हैं जर्मनी में ए या फ्रांस में नेशनल रैली या इंग्लैंड में रिफॉर्म पार्टी और इसलिए रिफॉर्म पार्टी क्योंकि जब तक कंसर्वेटिव पार्टी दस साल तक थी उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में कुछ नहीं किया ऋषि सोनक भी जब वो प्रधानमंत्री थे दो साल तक वो बात करते रहे कि इमिग्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन उन दो साल में जो माइग्रेशन था वो पहले से भी सारे रिकॉर्ड टूट चुका तो ज्यादा बात हो रही थी लेकिन एक्शन था। तो इसीलिए इंग्लैंड में भी लोग पार्टी पार्टी छोड़कर रिफॉर्म की ओर मुड़े हैं। तो होगा रिएक्शन होगा लेकिन जो आर्थिक बैकग्राउंड है इस माइग्रेशन के पीछे उसकी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ देर तक रुके लेकिन बाद में लोग आते रहेंगे क्योंकि यदि पॉपुलेशन आधी हो जाए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पॉपुलेशन है वो पानी की तरह है यदि जगह है तो पानी वहां तक पहुंच जाएगा तो वैसा ही यूरोप होगा और यूरोप में जो इस्लामिजाइजेशन है इस्लामिफिकेशन यदि हम कहें उसको रोकना बहुत कठिन है क्योंकि जो सफेद पॉपुलेशन है वो घट रही है और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इस्लामिक इमिग्रेंट्स है उनकी ही है और उन जैसे आप जर्मनी में देखें जर्मन जर्मनी में जो इस समय मुसलमान लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी घट रही है उनका फर्टिलिटी रेट 1.9 है सफेदों का 1.3 है 1.9 भी दो से कम है लेकिन वो लोग भी माइग्रेट्स ले रहे हैं और वो जो माइग्रेंट्स हैं वो भी मुसलमान देशों से आ रहे हैं जैसे वो अफगानिस्तान से आए या स्टूडान uh, से आए या नॉर्थ अफ्रीका से आए तो इसलिए इस प्रोसेस को हटाना या रुकाना बहुत बहुत कठिन है तो सर एक बात सुनने में आती है अक्सर जब भी बात किया जाता है कहा जाता है कि जब वाइज रिवोल्ट करते हैं रिबेल करते हैं या जब क्रुअलिटी पे उतर कर आते हैं तो उनकी जो क्रुअलिटी होती है दैट सीम्स नो बाउंस मतलब ये वो नहीं देखते कि दो साल का बच्चा है चार साल का बच्चा है या औरत है या पुरुष है फिर वो एक्सट्रीम पर उतरते हैं तो कहते हैं कि वो हावी हो जाते हैं जितनी भी पॉपुलेशन हो तो इस टाइप की बातें काफी की जा रही है और इस कॉन्टेक्स में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी जैसे फ्रांस के अंदर अभी पेट्रियॉट्स है जर्मनी में बाइकर्स गैंग्स हैं सॉरी फ्रांस के फ्रांस में नेशनलिस्ट हैं यूके में पेट्रियट्स हैं जिन्होंने अभी आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरीके से पेट्रियॉट्स दंगों पे उतर आए थे एंड स्टैमर को उन्होंने एक्चुअली में बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया है बल्कि आई थिंक एक रैली में गए हुए थे यूके के पी एम जो है और वहां से उनको भागना पड़ गया था क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछे गए इज इट ओके इफ योर गर्ल्स आर बिंग ग्रीब्ड इस तरीके से क्वेश्चन उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव पर पूछे जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर ये लोग और एक्सट्रीम में जाते हैं या राइज अप करते हैं तो दे कैन काउंटर दिस एक्सट्रीम पॉपुलेशन जो वहां ग्रो कर रही है और जी वैसा नहीं होगा देखिए यूरोप की जो यूरोप का इतिहास बहुत ही जैसे आप कह रही हैं बहुत क्रूर है क्रूअल है बहुत हॉरेबल चीजें की हैं जैसे बेल्जियम ने आ, नमीबिया में जो उन्होंने वहाँ पे आ, गोल्ड के लिए अन्य चीजों के लिए या जो कॉलोनियल कु, पावर्स ने आ, एशिया में अफ्रीका में बात सच है या यूरोप के अपने जो युद्ध हुए हैं जो नारसी जर्मनी का इतिहास कितना खून खराब यूरोप में हुआ है पिछले कई शताब्दियों से लेकिन अब वो काल नहीं है अब ये जो आजकल का जमाना है इसमें जो दृष्टि सब जगह है सी सी -वी, कैमराज लगे हुए हैं और ये कैमराज लोगों को रोकते हैं और और जो पावर्स जो यूरोप का पावर है वो उतना प्रिडामिनेट नहीं है इस समय बैलेंस ऑफ पावर है और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है यूरोप एशिया जैसे चाइना को आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया को देखिए भारत को देखिए या मिडल ईस्ट को देखिए तो बैलेंस है तो यूरोप वैसे जुल्म नहीं कर सकता अपने माइनॉरिटीज पे जैसा हो सकता है एक साल पहले कर सकता था अब नहीं कर सकता क्योंकि जो रहे हैं और यदि हमारे कस्टम्स अलग हैं हमें हम आप उन कस्टम्स के अधीन रखिए हम वैसे ही रहना चाहते हैं हम आपके रिलीजन को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो इसको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं यूरोप के लोग निकाब पहना चाहते हैं या हिजाब रखना चाहते हैं आप उनको रोक नहीं सकते वो जमाना निकल गया है ये जो मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री है वो यूरोप के एलीट्स के हाथों से निकल चुका है तभी यूरोप और अमेरिका के एलिट्स अब कह रहे हैं देखिए आप जो नेशनल बाउंड्रीज है आप उसको भूल जाइए पूरा विश्व आप एक बनेगा तो इसलिए फ्री मूवमेंट होनी चाहिए तभी वो विक्टर औरबान को भी जुर्माना करना चाहते हैं हर दिन का मुझे मालूम नहीं पांच हजार या पचास हजार यूरोज हैं यदि आप इलीगल माइग्रेंट्स को हंगरी के भीतर से गुजरने ना दें। लेकिन ये सब चीजें जो ये वे, वेस्ट के एलीट हैं उनके पास भी इंफिनिट कंट्रोल नहीं है उनको भी खतरा है हो सकता है जो डॉलर है यदि इसका कोलैप्स हो जाए जैसे नाइनटीन थर्टीज में जब कोलैप्स हुआ तो पूरी इकॉनमी वेस्ट की अमेरिका की बिल्कुल ठप हो गई वैसा दोबारा हो सकता है क्योंकि जो वेस्ट का पावर है ये डॉलर्स को प्रिंट करने से आ रहा है और ये बिल्कुल ऐसे छाप रहे हैं जैसे कल है ही नहीं और चाहे अमेरिका में कुछ नहीं बन रहा है लेकिन ये डॉलर्स छाप रहे हैं और डॉलर्स इसलिए छाप छाप रहे हैं क्योंकि अन्य देश अपनी तिजारत के लिए डॉलर्स को उनकी जरूरत है ट्रेड के लिए राइट तो यदि इसमें कोलैप्स हो जाए और ऐसा कोलैप्स सडनली होता है ऐसे जैसे 1930s में हुआ यदि कोलैप्स हो जाए तो फिर जो वेस्ट के भी एलिट हैं जो पावरफुल लोग हैं उनकी शक्ति उनके हाथ से निकल जाएगी तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि क्या होगा भविष्य में लेकिन जो कुछ भी होगा ये हम कह सकते हैं वो इतना सरप्राइजिंग होगा जिसकी हम इस समय कल्पना नहीं कर सकते मैं ये नहीं कहता हूं कि आ, बहुत आ, खून खराब होगा यूरोप में लेकिन यह हो सकता है कि जो भविष्य का यूरोप है वो आजकल के यूरोप से बहुत ही अलग होगा और जो यूरोप में जनसंख्या का परिवर्तन हो चुका है उसको आप आप बदल नहीं सकते जैसे कि अमेरिका की कल्पना अमेरिका को देखिए 500 साल पहले अमेरिका में सफेद लोग थे ही नहीं अमेरिका के निजी निवासी थे अब वो लोग है ही नहीं अमेरिका का परिवर्तन आप देखिए कितना ऑल एंड है जिसकी कल्पना से बाहर है वैसा ही परिवर्तन यूरोप का भी हो सकता है तो अगर मैं सर ये कहूं क्योंकि हम लोग लेयर लेयर बाय इस लेट करने की कोशिश कि अगर ये चाहें तो क्या बाद में इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं चाहे वो यूरोप की बात हो यूर से कि यूएस विल लीड द चेंज तो क्या अगर ये कभी किसी पॉइंट पर लगे कि भाई ये पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ये पॉपुलेशन इज नॉट यूजफुल एनी इनको कि जो जो गहरा राज्य है, है जिसके बारे में हम बात करते हैं, हैं कहते वो जैसे अभी ने हमारा के साथ किया दे कैन डेवलप सर्टन कंट्रोल वेयर दे कैन कंट्रोल दीज पॉपुलेश आगे आने वाली जेनरेशन में या आगे आने वाले समय में तो क्या वो इस तरीके के चेंजेस भी रिवर्स कर सकते हैं आगे आने वाले समय में कर सकते हैं लेकिन वो आ, जेनोसाइड नहीं होगा और ना होना चाहिए सब लोगों को क्या हो सकता है कि जो लोग आए हैं वो लोग अपने विचार बदल दें वो ऐसा कर सकते हैं जैसे आप जानती हैं इंडोनेशिया में नाइनटीन सिक्सटीज में जो भी चीनी ओरिजिन के लोग थे इंडोनेशिया ने उस समय इंसिस्ट किया कि वो अपने सारे नाम बदल कर इंडोनेशियन इंडोनेशियन भाषा के नाम रखें तो चीनी लोग को अपना ऑरिजिन छिपाना पड़ा वो कहते हैं आप लोग रही है लेकिन आप अपनी संस्कृति हमारी संस्कृति से जुड़ जाइए ऐसी चीजें हो सकती हैं ऐसा हो सकता है वो कहेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट रिलिजन है एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला है उनको आप उन पे रोक आ जाएगी या ये हो सकता है जिससे हो सकता है कि शांति आए जो आजकल सऊदी अरेबिया के रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान वो ये कहते हैं कि जो हदीस हैं जिसमें बहुत एक्सट्रीमिस्ट बातें हैं जो हदीस काफी मुसलमान लोग हदीस को फॉलो करते हैं कुरान को समझने की क्षमता बहुत कम लोगों में है तो हदीस में जैसे ऐसी बातें हैं कि तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक हर एक यहूदी मर ना जाए या उसकी मौत ना की जाए तो और ये एक ड्राइवर है जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स का है तो ये हो सकता है कि यूरोप में आ, के जो डीप स्टेट है वो ये कहे कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं या कुछ रिलीजियस बुक्स हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा देती हैं उनको बैन किया जाए ऐसी चीजें जरूर हो सकती हैं और हो सकता है वैसे ही वे वै उसी दिशा में यूरोप जाए कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए और जो फिर अन्य लोग चाहे वो उनका कोई भी नेशनल ऑरिजन है वो लोग जी सकते हैं क्योंकि जो आजकल यूरोप का रिलीजन है वो पोस्ट क्रिश्चियन है वो लोग क्रिश्चियन ईसाई धर्म में भी विश्वास नहीं रखते वो लोग ये चाहते हैं वो उनका धर्म काफी कुछ भारत जैसा है, कि भारत का धर्म क्या है कि आप आपकी निजी आस्था क्या भी हो आपका चरित्र अच्छा हो तो वो बात ठीक है आप आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है आप लोग अपना काम करते रहिए और वही यूरोप का हुआ है तभी यूरोप अपने आप को अपने संस्कृति को बचा नहीं पा रहा है और जैसे भारत में भी हुआ देखिए भारत आज से एक हजार पहले अफगानिस्तान में भी था, था। हिमालय्यांग दुस, में भी था सिंकयांग का धर्म भी हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म था अः वहां इंडोनेशिया में भी था इंडोनेशिया पूरा हिंदू या बौद्ध धर्म का था लेकिन अब वहां इन सब देशों से हिंदू धर्म तो निकल चुका है इंडोनेशिया में नहीं है या कंबोडिया में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है बांग्लादेश में नहीं है अफगानिस्तान में नहीं है तो ऐसा हो सकता है यूरोप में भी हो जो ईसाई धर्म है वो और से कुटता जाए और उसको शायद हम रोक नहीं सकते जी तो सर मैं एक पॉइंट पे जानना चाह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरीके का मास इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है तो व्हाट अबाउट द लोकल पॉपुलेशन विल दे नॉट रिवोल्ट और रिबेल मुझे लगता है आप देखिए इंग्लैंड की पॉपुलेशन को देखिए इस समय लंदन में केवल 37% ब्रिटिश ओरिजिन के लोग हैं बर्मिंघम में भी कोई 40% होगा तो पूरे यूके में कोई थर्टी परसेंट नॉन वाइट्स हैं और अगले बीस साल में जो वाइट्स हैं है, माइनॉरिटी में हो जाएंगे तो तो क्या होगा ये हो सकता है कि यदि एसिमिलेशन आगे ना बढ़े तो ये हो सकता है कि बीस साल में पार्टीशन हो जाए हो सकता है क्योंकि इस समय जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है वो शहरों में कॉन्सनट्रेटेड है या में है, कुछ रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि यूरोप में भी पार्टीशन हो एंड ऑफ द सेंचुरी में यूके की पॉपुलेशन केवल थर्टी परसेंट व्हाइट होगी ये अनुमान है एस्टिमेट है यदि आप आजकल के ट्रेंड्स को देखें और इनको रिवर्स करना सरल नहीं है तो हो सकता है कि यूके का पार्टीशन हो जाए या जर्मनी में पार्टीशन हो जाए या वैसे ही फ्रांस में हो जाए और और उस पार्टीशन जैसे भारत में हुआ भारत में आप देखिए और कुछ पॉपुलेशन एक्सचेंज भी हुआ जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में या बांग्लादेश से कुछ लोग आप हिंदू लोग छोड़ रहे हैं बांग्लादेश में भी कोई बीस प्रतिशत प्रतिशत हिंदू लोग थे फोर्टी में अब केवल छह सात परसेंट तो हो सकता है ये चेंज एक्सेलरेट हो जाए तो बहुत बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस यूरोप में आ रही हैं और एशिया में तो हैं ही और अफ्रीका में भी वैसे चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत ही इस समय uh, क्या कहें फैसिनेटिंग टाइम्स हैं और दे विल बिकम मोर फैसिनेटिंग जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स इवन मोर डॉमेंट एंड इम्पोर्टेंट इन इकॉनमीज और हम केवल देख सकते हैं जैसे जब कि कैसे लहरें आ रही हैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता वैसा ही आजकल इतिहास में एक सुनामी आ रही है जिसको हम केवल देख सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन उस उस उसको हम रोक नहीं सकते बदल नहीं सकते वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ रही है ये ऑलरेडी हो चुकी है यूरोप में नाइंटीज में जब यूगोस्लावा को तोड़ा गया वेस्ट ने, नेटो के द्वारा बिल क्लिंटन के समय तो कोसोवो uh, बॉस्ट क्रोएशिया uh, ये देश निकले वैसा ही मुझे लगता है कि uh, यूरोप में भी होगा जर्मनी में हो सकता है पार्टीशन हो फ्रांस में हो इंग्लैंड में हो तो यूगोस्लाविया मॉडल पूरे यूरोप का हो सकता है मतलब द सी फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंट्री स्मॉल 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 अभी जो थोड़ी बहुत जैसे फ्रांस थोड़ा बड़ा है जर्मनी थोड़ा बड़ा है स्पेन बड़ा है इटली भी बड़ा ही है एक तरीके से सो वी कैन सी मोर बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप इन कमिंग टाइम्स जी सो दैट वे इज राइट बाल्कनाइजेशन बिल्कुल सही शब्द है क्योंकि यूगोस्लाविया को ही बाल्कंस कहा, कहा जाता था और जैसे कि यूगोस्लाविया टूट चुका है वैसा ही जो रिमेनिंग यूरोप है वो भी टूटेगा तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जैसे कि मिडिल एजेस में बहुत प्रिंसिपैलिटीज यूरोप में थी तो हम दोबारा जो

और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप फीडबैक uh, देना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डोनेट uh, करने के लिए या फिर फीड डोनेट करने के लिए या फिर फीडबैक uh, देने के लिए यू वॉन्ट टू डोनेट टू दी ऑल्टनेट मीडिया इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम हर हर महादेव थैंक यू धन्यवाद गायत्री जी